हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लवली इनू फाइनेंस को लेके। जैसे कि आप सबको पता होगा कि भाई नए वाले जो लवली इनू हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं, और पुराना वाला लवली इनू भी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एक्सचेंज के यूजर थे भाई, उन्होंने तो फटाफट जो ऑटोमेटिक उनके जो थे भाई ओल्ड वाले जो लवली थे वो नए में ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन जो भाई पुराने वाले हैं, जो वॉलेट में होल्ड करके बैठे हैं, ट्रस्ट वॉलेट की बात की जाए, मेटामास्क की वॉलेट की बात की जाए, तो भाई वो जो यूजर्स हैं भाई वो सारे के सारे परेशान हो चुके हैं कि भाई लोग हम क्या करें। तो भाई उनके लिए ही इस वीडियो में बात करेंगे भाई, आप किस तरह अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट या किसी भी दूसरे वॉलेट में अगर होल्ड कर रहे हैं लवली इनू फाइनेंस, तो भाई इसको किस तरह आपको नए टोकन मिलेंगे, तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ भाई, क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, सबसे पहले के आइकन को दबाएं, ताकि लवली इनू फाइनेंस हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी कॉइन हो, उनके रिलेटेड कोई भी कंटेंट निकल के वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई बिटकॉइन बायजन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 66,568 डॉलर पे चल रहा है, 3.9% बढ़ चुका है। इथेरियम की बात करें तो 3,488 डॉलर पे चल रहा है, 2.6% बढ़ चुका है। BNB 591 पे चल रहा है, सोलाना हमने देखा है 168 डॉलर पे चल रहा है। तो ये कुछ मार्केट के हालात है। वहीं पे अगर देखा जाए फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो वो आज हमें 74 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिल रहा है, जो कल 60 स्कोर के साथ ग्रीड में था। लास्ट वीक की बात की जाए तो 25 स्कोर के साथ हमें एक्सट्रीम फेयर में देखने को मिला था, और ये लास्ट मंथ हमें 60 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिला था। तो भाई ये हो चुके हैं ओवरऑल मार्केट्स की कंडीशन। तो भाई वहीं पे बात कर लें भाई, ये नया वाला लवली इनू आपके सामने जिसकी प्राइस चल रही है 0.02369, और ये 0.51% ने बढ़ चुका है। और ये लवली इनू जो आपके सामने अभी जो आया है वो पुराना वाला है, जो 44% अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सडनली जो है भाई ये लवली बंद हो जाएगा मार्केट में, ये नया वाला चलेगा। इसकी जो सप्लाई आई थिंक 10 बिलियन है, और जो पुराना वाला था उसकी 75 ट्रिलियन समाव थी। तो भाई ये कुछ लवली इनू के हालात है। अभी आई थिंक कॉइन गीको पे नहीं देखने को मिल रहा है, कॉइन मार्केट के पे दोनों लवली इनू आ चुके हैं। तो भाई बात करते हैं लवली इनू को, भाई जो आप ट्रस्ट वॉलेट के होल्डर हैं वो क्या करें। तो भाई इससे पहले कि मैं वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करूं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई मेरा टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे एयरड्रॉप्स के रिलेटेड बातें होती रहती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको मिस करें, क्योंकि अभी भी रिसेंट जो पिक्सेल बर्ड्स आया था जिसमें काफ़ी यूजर एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो भाई उनमें से उनकी बात अगर की जाए तो उन्होंने एक अच्छी खासी जो चीज़ें थी वो क्लेम की थी। तो यहाँ पर क्योंकि उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि वो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ऑलरेडी थे, और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई आप जो पुराने होल्डर हैं भाई उनको क्या करना चाहिए। तो भाई यहाँ रिसेंटली कुछ घंटे पहले, आई थिंक 17 घंटे पहले, उन्होंने ट्वीट किया था कि ऑनली फॉर दोज वो होल्ड्स ओल्ड लवली इनू ऑन देयर वॉलेट। जी बिल्कुल, जो यूज़र्स हैं जो लवली इनू अपने वॉलेट में होल्ड करके बैठे हुए हैं भाई उनको क्या करना चाहिए। तो उनके ऊपर इन्होंने एक बात कही है कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंड योर ERCRBEP20 ओल्ड लवली हेयर। जी बिल्कुल, इन्होंने एक वॉलेट की एड्रेस दी हुई है, जो अगर आप जो क्या कर रहे हैं इथेरियम के चेन पे या BEP20 बाइनेंस के चेन पे अगर आप होल्ड करके बैठे हुए अपने लवली को, तो उन्होंने एक एड्रेस भेजी हुई है भाई। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, अपने लवली इनू जो फाइनेंस है जिनके जो टोकन जो आपके पास सारे के सारे पड़े हुए हैं, आप क्या करें इस एड्रेस पे हमारे पास सेंड करें। जी बिल्कुल, आप क्या करेंगे इस एड्रेस पे इसके पास सेंड करेंगे। उसके बाद भाई ये क्या करेंगे, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यू विल रिसीव अ न्यू लवली BEP एट द सेम एड्रेस फ्राम विच यू हैव सेंड अस। जी बिल्कुल, जिस एड्रेस पर भेजा है उसी एड्रेस से आपको क्या है नए वाले लवली इनू जो होल्ड टोकन से वो मिल जाएंगे विद इन 48 to 72 hours। जी बिल्कुल, अभी बेच के आपको परेशान नहीं होना है, तकरीबन 2 से 3 दिन तक आपको तकरीबन वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप फुली रिसीव करेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी ट्रैफिक आ चुकी होती है और आई थिंक इसका जो सप्लाई है वो बहुत कम है, तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगे ये सप्लाई, क्योंकि इन्होंने सप्लाई काफ़ी सारी रिड्यूस कर ली है और यूज़र जो है सप्लाई को लेकर काफ़ी सारे जो है वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर भाई काफ़ी सारे यूज़र्स चेंज कर चुके हैं, तो भाई यहाँ पर आपको भी सेंड करके वेट करना पड़ेगा, और जो एक्सचेंज के यूज़र हैं उनको तो ऑलरेडी माल मिल चुका है भाई, उनके जो है वो खो चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी, छोटी मोटी चीज़ें थी लवली इनू फाइनेंस को लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आपके साथ सारी की सारी बातें शेयर की जाए। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज, थैंक यू।